जय हरि बोल, जय हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय हरि बोल। बांग्लादेश सरकार के गणमान्य प्रतिनिधि कृषि मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रजाक जी, श्री शेख सलीम जी, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फारूक खान जी, भारत की संसद में मेरे अनन्य सहयोगी और मेरे मित्र श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी परंपरा और मूल्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे श्रीमान शांतनु ठाकुर जी, भारत से आए ऑल इंडिया मातवा महासंघ के प्रतिनिधि श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी में अनन्य श्रद्धा रखने वाले मेरे बहनों और भाइयों और सभी सम्मानित साथियों, आप सबको आदरपूर्वक नमस्कार। बांग्लादेश सरकारेर माननीय प्रतिनिधि कृषि मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल रज्जाक जी, श्री शेख सलीम जी, लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फारूक खान जी, भारतेर संसदे आमार सहयोगी एवं आमार बंधु श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी परिवारेर ऐतिह्य ও মূল্যের প্রতিনিধিত্বকারী শ্রী শান্তনু ঠাকুরজি, ভারত থেকে আসা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের প্রতিনিধি শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরজির প্রতি অনন্ত শ্রদ্ধাশীল আমার বোন ও ভাইয়েরা এবং বাংলাদেশের সমস্ত সম্মানিত বন্ধুরা নমস্কার। লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহাম্মদ ফারুক খানজি, শ্রী শ্রী আমার সহযোগী এবং হরিচাঁদ ঠাকুরজি কি কৃপা সে ওরাকান্দি ঠাকুর বাড়ি কি भारत से इस पुण्य भूमि को प्रणाम करने का सौभाग्य मिला है। मैं श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी, श्री श्री गुरुचंद ठाकुर जी के चरणों में शीश झुकाकर नमन करता हूं। आज श्री श्री हरिचंद ठाकुर कृपाए आमार ओराकान्दि ठाकुर बाड़ीर एई पुण्य भूमि के प्रणाम करार सौभाग्य हुएछे। आमी শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরজি, শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরজির শ্রীচরণে মস্তক নত করে প্রণাম জানাই। আবি মেরি ইহাঁ কুছ মহানুভাব সে বাত হো রহি থি তো উন্হোনে কাহা, কিসনে সোচা থা কি ভারত কা প্রধানমন্ত্রী কভি ওরাকান্দি আয়েগা। মে আজ वैसा ही महसूस कर रहा हूं जो भारत में रहने वाले मातवा संप्रदाय के मेरे हजारों लाखों भाई बहन ओराकांदी आकर जो महसूस करते हैं, आज मैं भी वही महसूस कर रहा हूं। मैं आज यहां आया तो मैंने उनकी तरफ से भी इस पुण्य भूमि को चरण स्पर्श किया है। আমি আজ ঠিক তেমনটাই অনুভব করছি। ভারতে থাকা মতুয়া সম্প্রদায়ের হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ ভাই বোনেরা ওরাকান্দি এসে যেমন অনুভব করেন, আমি আজ ঠিক তেমনটাই অনুভব করছি। আমি আজ এখানে এসেছি সে কারণে আমি তাদের পক্ষ থেকেও এই পুণ্যভূমির চরণ স্পর্শ করেছি। ইস দিন কি ইস পবিত্র অবসর কি প্রতীক্ষা मुझे कई वर्षों से थी। साल 2015 में जब मैं प्रधानमंत्री के तौर पर पहली बार बांग्लादेश आया था, तभी मैंने यहां आने की इच्छा प्रकट की थी। वो मेरी इच्छा, वो मेरी कामना आज पूरी हुई है। एई दिनेर एई पवित्र मुहूर्तेर प्रतीक्षा আমার বহু বছর ধরে ছিল। 2015 সালে যখন আমি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথমবার বাংলাদেশে আসি, তখনই আমি এখানে আসার ইচ্ছে ব্যক্ত করেছিলাম। আমার সেই প্রত্যাশা, সেই কামনা আজ পূর্ণ হল।
मुझे लगातार श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी के अनुयायियां, उनसे प्रेम और स्नेह हमेशा मिलता रहा है। उनके परिवार का अपनापन मुझे मिलता रहा है। मैं आज ठाकुर बाड़ी के दर्शन लाभ के पीछे उनके आशीर्वाद का प्रभाव भी मानता हूं। আমি নিয়মিতভাবে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের অনুগামীদের থেকে ভালোবাসা ও স্নেহ পেয়েছি, তার পরিবারের সদস্যদের ঘনিষ্ঠতা পেয়েছি। আমি আজ ঠাকুরবাড়ির এই দর্শন লাভের জন্য তাদের আশীর্বাদের প্রভাব রয়েছে বলেই মনে করি। মুঝে ইয়াদ হ্যায় পশ্চিম বঙ্গাল মে ঠাকুর নগর মে মে জব গয়া থা তো হ্যাঁ মেরে মতওয়া ভাই বহনোঁ নে मुझे परिवार के सदस्य की तरह बहुत प्यार दिया था। विशेष तौर पर बोरोमा का अपनत्व, मां की तरह उनका आशीर्वाद मेरे जीवन के अनमोल पल रहे हैं। अमर मोने आछे पश्चिम बंगे ठाकुर नगरे आमी जखन गिएछिलाम सेखाने आमार मतुआ भाई बोनेरा আমাকে নিজেদের পরিবারের সদস্যদের মতো অনেক ভালোবেসেছেন। বিশেষ করে বড় মার স্নেহ, মায়ের মতো তার আশীর্বাদ, সেটি আমার জীবনের জন্য এক অমূল্য সময় ছিল। পশ্চিম বঙ্গাল মে ঠাকুর নগর সে বাংলাদেশ মে ঠাকুর বাড়ি তক বেশি হি শ্রদ্ধা হ্যায়, वैसी ही आस्था है और वैसा ही अनुभव है। পশ্চিমবঙ্গের ঠাকুর নগর থেকে বাংলাদেশের ঠাকুর বাড়ি পর্যন্ত একই রকমের শ্রদ্ধা রয়েছে, একই রকমের আস্থা রয়েছে আর একই রকমের অনুভূতি রয়েছে। मैं बांग्लादेश के राष्ट्रीय पर्व पर भारत के 130 करोड़ भाई बहनों की तरफ से आपके लिए प्रेम और शुभकामनाएं लाया हूं। आप सभी को बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने पर ढेरों बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आमी बांग्लादेशेर जातीय अनुष्ठाने भारतेर 130 कोटी भाई बोनेर पक्ष थेके আপনাদের জন্য শুভেচ্ছা নিয়ে এসেছি। আপনাদের সকলকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার 50 বছর পূর্ণ হওয়ায় অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই। কাল ঢাকা মে ন্যাশনাল ডে কার্যক্রম কে দৌরান মানে বাংলাদেশ কে শৌর্য পরাক্রম কি উস সংস্কৃতি কি অদ্ভুত ঝাঁকি দেখি জিসে इस अद्भुत देश ने सहज कर रखा है और जिसका आप बहुत प्रमुख हिस्सा है। গতকাল ঢাকায় ন্যাশনাল ডে অনুষ্ঠানের সময় আমি বাংলাদেশের শৌর্য, ক্ষমতার, তার সংস্কৃতির অপূর্ব প্রদর্শন দেখি, যা এই অপূর্ব দেশকে সমৃদ্ধ করেছে আর যার আপনারা খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ। यहां आने के पहले मैं जातिर पिता बोंग बंधु शेख मुजिबुर रहमान की समाधि सौधों पर गया, वहां श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शेख मुजिबुर रहमान जी का नेतृत्व, उनका विजन और बांग्लादेश के लोगों पर उनका विश्वास एक मिसाल है। এখানে আসার আগে আমি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধে গিয়েছি, সেখানে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছি। শেখ মুজিবুর রহমানজির নেতৃত্ব, ওনার ভিশন আর বাংলাদেশের লোকেদের ওপর ওনার বিশ্বাস এক উদাহরণ স্বরূপ। আজ জিস তরহ ভারত বাংলাদেশ কি সরকারে दोनों देशों के स्वाभाविक संबंधों को मजबूत कर रही है,
सांस्कृतिक रूप से यही काम ठाकुरबाड़ी और श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी के संदेश दशकों से करते आए हैं। आज जे भावे भारत बांग्लादेशेर सरकार दुदेशेर स्वाभाविक सम्पर्क के शक्तिशाली करछे, सांस्कृतिक भावे एई काजी ठाकुरबाड़ी एवं श्री श्री हरिचांद ठाकुरजीर बार्ता बहु दशक धरे करे आसछे। एक तरह से ये स्थान भारत और बांग्लादेश के आत्मिक रिश्तों की तीर्थस्थली है। हमारा रिश्ता जन से जन का रिश्ता है, मन से मन का रिश्ता है। एक भावे यही स्थान भारत और बांग्लादेशेर आत्मिक सम्पर्केर तीर्थक्षेत्र। आमादेर सम्पर्क मानुषेर संगे मानुषेर सम्पर्क, मनेर संगे मनेर सम्पर्क। भारत और बांग्लादेश दोनों ही देश अपने विकास को, अपनी प्रगति से पूरे विश्व की प्रगति देखना चाहते हैं। दोनों ही देश दुनिया में अस्थिरता, आतंक और अशांति की जगह स्थिरता, प्रेम और शांति चाहते हैं। भारत एवं बांग्लादेश उभय देशी निजेदेर विकास, निजेदेर प्रगतिर चे समग्र विश्वेर उन्नति देखते चाय। उभय देशी पृथिवीते अस्थिरता, सन्त्रास एवं अशांतिर परिवर्ते स्थितिशीलता, प्रेम एवं शांति चाय। यही मूल्य, यही शिक्षा श्री श्री हरिचांद ठाकुर देव जी ने हमें दी थी। आज सारा विश्व जिन मूल्यों की बात करता है, मानवता के जिस भविष्य का सपना देखता है, उन मूल्यों के लिए श्री श्री हरिचांद जी ने अपना जीवन समर्पित किया था। यही मूल्य, यही शिक्षा श्री श्री हरिचांद ठाकुर देव जी आमादेर दिए छिलेन। आज समग्र विश्व जेई मूल्यबोधेर कथा बोले, मानवतार जेई भविष्यतेर स्वप्न देखे, सेई मूल्यबोधेर जन्य श्री श्री हरिचांद जी निजेर जीवन उत्सर्ग करेछेन। महान कवि श्री महानंदो हालदार ने श्री श्री गुरुचांद चरित में लिखा है, तपसिल जाति मधुज्जा जा किछु होय चे हरिचंद कल्प रोक्ष सौकड़ी फैल छे। अर्थात शोषित, पीड़ित, दलित, वंचित समाज ने जो कुछ भी चाहा, जो कुछ हासिल किया, वो श्री श्री हरिचांद जी जैसे कल्प वृक्ष का ही फल है। महान कवि श्री महानंद हालदार श्री श्री गुरुचांद चरिते लिखे छिलेन, तपशील जाति माधुर्य जा किछु होयेछे हरिचांद कल्प वृक्ष सकली फेलेछे। अर्थात निर्जातित, निपीड़ित, दलित, अवहेलित समाज जा किछु चेयेछे, जा किछु पेयेछे, ता श्री श्री हरिचांद जीर मतो कल्प वृक्षेरी फल। श्री श्री हरिचांद जी को दिखाए मार्ग पर ही चलते हुए आज हम एक समान समरस समाज की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने उस दौर में महिलाओं की शिक्षा, उनकी सामाजिक भागीदारी के लिए काम शुरू कर दिया था। आज हम महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को पूरे विश्व में आगे बढ़ता देख रहे हैं। श्री श्री हरिचांद जीर देखानो पथे चले आज आमरा एक समान और सामंजस्यपूर्ण समाज दिके एगोच्छी। उनी सेई समय महिलादेर शिक्षा, तादेर सामाजिक अंशीदारित्वेर जन्य काज शुरू करे दिएछिलेन। आज आमरा महिलादेर क्षमतायनेर प्रचेष्टाय
समग्र विश्व के एगिए जेते देखछी। जब हम श्री श्री हरिचांद ठाकुर के संदेशों को समझते हैं, हरि लीला अमृतो का पाठ करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने आगे की सदियों को पहले ही देख लिया था। उनके पास एक दिव्य दृष्टि थी, एक अलौकिक प्रज्ञा थी। जखन आमरा श्री श्री हरिचांद ठाकुरेर बार्ता बुझी, हरि लीला अमृत पाठ करी, तखन मने हय जे उनी भविष्यत कालके आगे ही देखे नियेछिलेन। ओनादेर काछे एकटी दिव्य दृष्टि छिलो, एकटी अलौकिक क्षमता छिलो। गुलामी के उस दौर में भी उन्होंने समाज को ये बताया कि हमारी वास्तविक प्रगति का रास्ता क्या है। आज भारत हो या बांग्लादेश, सामाजिक एकजुटता, समरसता के उन्हीं मंत्रों से अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, विकास के नए आयाम छू रहे हैं। पराधीनतार सेई समयेओ तिनि समाज के एटी बोलेछिलेन जे आमादेर वास्तविक प्रगतिर रास्ता कि। आज भारत होक बा बांग्लादेश, सामाजिक संगबद्धता अभिन्नतार सेई मंत्रे निजेदेर भविष्यत निर्माण करछे, विकासेर नतून लक्ष्यके स्पर्श करछे। साथियों, श्री श्री हरिचांद देव जी के जीवन ने हमको एक और सीख दी है। उन्होंने ईश्वरीय प्रेम का भी संदेश दिया, लेकिन साथ ही हमें हमारे कर्तव्यों का भी बोध कराया। उन्होंने हमें ये बताया कि उत्पीड़न और दुख के विरुद्ध संघर्ष, ये भी साधना है। बंधुरा, श्री श्री हरिचांद देव जीर जीवन आमादेर आरेकटी शिक्षा दिए छे। उनी ईश्वरीय प्रेमेरो बार्ता दिए छेन, किन्तु एकी साथे आमादेर कर्तव्येर विषयेओ सचेतन करेछेन। उनी आमादेर बोलेछेन जे अत्याचार एबं दुःखेर बिरुद्धे लड़ाइओ एक धरनेर साधना। आज श्री श्री हरिचांद देवजी के लाखों करोड़ों अनुयायी, चाहे वो भारत में हो, बांग्लादेश में हो या फिर कहीं और, उनके बताए मार्ग पर चल रहे हैं। मानवता के सामने जो भी संकट है, उनके समाधान में सहयोग कर रहे हैं। आज श्री श्री हरिचांद देवजीर लक्ष कोटी अनुगामी, ताशे भारत ही होक अथवा बांग्लादेशी होक बा अन्य कोथाओ, तार देखानो पथे चलेछेन। मानवतार सम्मुखे जे संकट रयेछे तार समाधाने सहाय्य करछेन। मेरा सौभाग्य है कि श्री श्री हरिचांद ठाकुर जी की विरासत को सम्मान रहे शांतनु ठाकुर जी भारत में संसद में मेरे सहयोगी हैं। हालांकि आयु में मुझसे छोटे हैं, लेकिन मुझे भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसका कारण यही है कि उन्होंने श्री श्री हरिचंद ठाकुर जी की महान शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारा हुआ है। वो बहुत कर्मठ है, समाज के लोगों के लिए संवेदनशीलता के साथ दिन रात प्रयास करते हैं। আমার সৌভাগ্য যে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরের ঐতিহ্যকে বয়ে নিয়ে চলা শান্তনু ঠাকুরজি সংসদে আমার সহযোগী। যদিও বয়সে উনি আমার চেয়ে ছোট, কিন্তু আমিও ওনার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারি। এর কারণ হল উনিও শ্রী শ্রী হরিচাঁদ ঠাকুরজির মহান শিক্ষা নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন। উনি খুবই কর্মঠ, সমাজের লোকেদের জন্য সংবেদনশীলতার সঙ্গে দিন রাত প্রচেষ্টা করেন।
साथियों, आज भारत और बांग्लादेश के सामने जिस तरह की समान चुनौतियां हैं, उनके समाधान के लिए श्री श्री हरिचंद देव जी की प्रेरणा बहुत अहम है। दोनों देशों का साथ मिलकर हर चुनौती का मुकाबला करना जरूरी है। यही हमारा कर्तव्य है, यही इन दोनों देशों के करोड़ों लोगों के कल्याण का मार्ग है। बंधुरा, आज भारत एवं बांग्लादेशेर सामने जे धरनेर एक ही रकम चैलेंज रयेछे तार समाधानेर जन्य श्री श्री हरिचाँद देवजीर अनुप्रेरणा खूब गुरुत्वपूर्ण। दुदेशेर एकजोट हये प्रत्येकटी चैलेंजेर मोकाबिला करा उचित, एटी आमादेर कर्तव्य, एटी दुदेशेर कोटी कोटी जनगणेर कल्याणेर पथ। कोरोना महामारी के दौरान भारत और बांग्लादेश दोनों ही देशों ने अपने इस सामर्थ्य को सिद्ध करके दिखाया है। आज दोनों ही देश इस महामारी का मजबूती से मुकाबला कर रहे हैं और एक साथ मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मेड इन इंडिया वैक्सीन बांग्लादेश के नागरिकों तक भी पहुंचे, भारत इसे अपना कर्तव्य समझकर काम कर रहा है। कोरोना महामारी समय भारत एवं बांग्लादेश उभय देशी निजेदेर ए सामर्थ्येर परिचय दिएछे। आज उभय देश ए महामारीर जोरदार मोकाबिला करछे आर एक साथे मिले मोकाबिला करछे। मेड इन इंडिया वैक्सीन বাংলাদেশের নাগরিকের কাছেও যাতে পৌঁছয় সেজন্য ভারত একে নিজেদের কর্তব্য মনে করে কাজ করছে। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ জি নে হমেশাহি আধুনিকতা আর বদলাব কা সমর্থন কিয়া থা। মুঝে বতায়া গয়া কি জব মহামারী কা সংকট শুরু হুয়া থা তো ইয়াহাঁ ওরাকান্দি মে আপ সভি নে टेक्नोलॉजी को अपनाया, ऑनलाइन कीर्तन किए, सामाजिक आत्मविश्वास बढ़ाया। ये दिखाता है कि श्री श्री हरिचंद जी की प्रेरणा हमें हर मुश्किल में आगे बढ़ना सिखाती है। श्री श्री हरिचंद जी सर्वदा आधुनिकता एवं परिवर्तनेर समर्थन करेछेन। आमाके बला हुएछे जे जखन মহামারীর সংকট শুরু হয়েছিল তো এখানে ওরাকান্দিতে আপনারা সকলে প্রযুক্তির ব্যবহার করেন, অনলাইন কীর্তন করেন, সামাজিক আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করেন। এতে দেখায় যে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ দেবজির প্রেরণা আমাদের প্রত্যেক সমস্যার মোকাবিলা করতে শেখায়। শ্রী শ্রী হরিচাঁদ দেবজি কি শিক্ষাও কো জন জন তক পৌঁছানে মে দলিত पीड़ित समाज को एक करने में बहुत बड़ी भूमिका उनके उत्तराधिकारी श्री श्री गुरुचांद ठाकुर जी की भी है। श्री श्री गुरुचांद जी ने हमें भक्ति, क्रिया और ज्ञान का सूत्र दिया था। श्री श्री हरिचाँद देव जी शिक्षा प्रत्येक मानुषेर काछे पौंछते, दलित নিপীড়িত সমাজকে এক করতে অনেক বড় মাপের ভূমিকা ওনার উত্তরাধিকারী শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুরজির রয়েছে। শ্রী শ্রী গুরুচাঁদজি আমাদের ভক্তি, ক্রিয়া এবং জ্ঞানের সূত্র দিয়েছিলেন। শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত কহতা হ্যায় অনুনাতা জাতি মাঝে শিক্ষা বিস্তারিত, आज्ञा करें হরিচাঁদ तारे विधि मौते। अर्थात हरिचंद जी ने हमें समाज के कमजोर वर्ग तक शिक्षा पहुंचाने का आदेश दिया है। श्री गुरुचांद जी ने अपने पूरे जीवन हरिचंद जी के इस आदेश का पालन किया। विशेषकर
बेटियों की शिक्षा के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। श्री श्री गुरुचाँद चोरीते उल्लेख रहे छे, अनुनाता जाति माझे शिक्षा विस्तारित आज्ञा करें हरिचाँद तारे विधि मत। अर्थात हरिचाँद जी आमादेर समाजेर दुर्बल श्रेणीर मानुषदेर काछे शिक्षा पौंछनोर आदेश दिए छेन। श्री गुरुचाँद जी निजेर पुरो जीवन हरिचाँद जीर एई आदेशेर पालन करेछेन। विशेषत मेयेदेर शिक्षार जन्य उनी गभीर प्रयास करेछेन। आज ये हर भारतवासी का सौभाग्य है कि वो यहां बांग्लादेश में श्री श्री गुरुचाँद जी के प्रयासों से जुड़ रहा है। ओरा कांदी में शिक्षा के अभियान से अब भारत के लोग भी जुड़ेंगे। आज एटी प्रत्येक भारतवासीर सौभाग्य जे तारा एखाने बांग्लादेशे श्री श्री गुरुचाँद जीर प्रचेष्टार संगे जुक्त होच्छेन। ओरा कांदीते शिक्षार अभियाने एखन थेके भारतेर जनगण जुक्त हबेन। ओरा कांदी में भारत सरकार लड़कियों के मिडिल स्कूल को अपग्रेड करेगी, नई आधुनिक सुविधाएं जोड़ेगी, साथ ही भारत सरकार द्वारा यहां एक प्राइमरी स्कूल भी स्थापित किया जाएगा। ओराकांदीते भारत सरकार मेदेर मिडिल स्कूल अपग्रेड करबे, नतून आधुनिक सुविधा प्रदान करबे। एक ही साथे भारत सरकार एखाने एकटी प्राथमिक विद्यालय स्थापन करबे। ये भारत के करोड़ों लोगों की तरफ से श्री श्री हरिचाँद ठाकुर जी को श्रद्धांजलि है। हम बांग्लादेश सरकार के भी आभारी हैं जो इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग कर रही है। एटी भारतेर कोटी कोटी मानुषेर पक्ष थेके श्री श्री हरिचाँद ठाकुर जीर प्रति श्रद्धांजलि। आमरा बांग्लादेश सरकारेर प्रतिओ कृतज्ञ जारा एई काजे आमादेर संगे रयेछेन। मौतवा संप्रदाय के हमारे भाई बहन श्री श्री हरिचाँद ठाकुर जी की जन्म जयंती के पुण्य अवसर पर हर साल बारौनी स्नान उत्सव मनाते हैं। भारत से बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस उत्सव में शामिल होने के लिए ओराकांदी आते हैं। भारत के मेरे भाई बहनों के लिए ये तीर्थ यात्रा और आसान बने, इसके लिए भारत सरकार की तरफ से प्रयास और बढ़ाए जाएंगे। ठाकुर नगर में मौतवा संप्रदाय के गौरवशाली इतिहास को प्रतिबिंबित करते भव्य आयोजनों और विभिन्न कार्यों के लिए भी हम संकल्पबद्ध हैं। मथुआ सम्प्रदायर आमादेर भाई बोनेरा श्री श्री हरिचाँद ठाकुरजीर जन्म जयंतीर पुण्य लग्ने प्रति बछर बारौनी स्नान उत्सव पालन करें। भारत थेके प्रचुर संख्यक पुण्यार्थी ए उत्सवे जोग देवार जन्य ओराकांदी आसें। आमार भारतेर भाई बोनेदेर जन्य ए तीर्थयात्रा जाते आरो सहज हय सेजन्य भारत सरकारेर पक्ष थेके आरो पदक्षेप ग्रहण करा हबे। ठाकुर नगरे मतुआ सम्प्रदायर गौरवमय इतिहास के तुले धरते मनज्ञ आयोजन एवं विभिन्न काजेर जन्य आमरा संकल्पबद्ध। साथियों, भारत आज सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहा है और बांग्लादेश में इसमें सहयात्री है। वही बांग्लादेश आज दुनिया के सामने विकास और परिवर्तन का एक मजबूत उदाहरण पेश कर रहा है और इन प्रयासों में भारत आपका सहयात्री है। बंधुरा, भारत आज सकलेर साथे सकलेर विकास एवं सकलेर विश्वास
এই মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলেছে আর বাংলাদেশ এতে সহযাত্রী সেই বাংলাদেশ আজ বিশ্বের সামনে বিকাশ আর পরিবর্তনের একটি শক্তিশালী উদাহরণ পেশ করছে আর সেই প্রচেষ্টায় ভারত আপনাদের সহযাত্রী मुझे विश्वास है श्री श्री हरिचंद देव जी के आशीर्वाद से श्री श्री गुरुचंद देव जी की प्रेरणा से हम दोनों देश 21वीं सदी के इस महत्वपूर्ण कालखंड में अपने इन साझा लक्ष्यों को हासिल करेंगे। भारत और बांग्लादेश प्रगति और प्रेम के पथ पर दुनिया का पथ प्रदर्शन करते रहेंगे। আমার বিশ্বাস যে শ্রী শ্রী হরিচাঁদ দেবের আশীর্বাদে শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ দেবের প্রেরণায় আমরা দুই দেশ একবিংশ শতকের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়কালে নিজেদের এই লক্ষ্য পূরণ করব। ভারত এবং বাংলাদেশ উন্নতি এবং প্রেমের পথে বিশ্বের পথ প্রদর্শন করতে থাকবে। এই শুভকামনাও কে সাথ আপ সবাই কা हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। এই শুভকামনার সাথে আপনাদের সকলকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই। জয় বাংলা, জয় হিন্দ। ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চিরজীবী হোক। জয় হরি বল, জয় হরি বল, হরি বল, হরি বল, জয় হরি বল।